डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इससे आपके कंपिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में भी एक बार फाइव मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन से सो so, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एलोट्रोफिक फॉर्मस ऑफ फॉसफोर्स और उसके बाद हम फॉसफोरस की केमिस्ट्री भी डिस्कस करेंगे सो so, यहाँ पर आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन तो हमें पता है नाइट्रोजन हमने पहले भी थोड़ा सा डिस्कस इसका किया था नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फाइव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स बनाता है तो ऑक्साइड्स कौन कौन से यहाँ बनते हैं एन टू ओ हमें यहाँ पे एन ओ ऑक्साइड मिलता है एन ओ टू ऑक्साइड मिलता है एन टू ओ थ्री ऑक्साइड मिलता है एंड एन टू ओ फाइव ऑक्साइड यहाँ पे बनते हैं जब मैंने आपको कहा था नाइट्रोजन ऑक्साइड इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स रेंजिंग फ्रॉम प्लस प्लस टू पे अगर आप इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो इस ऑक्साइड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन है यहाँ पे प्लस टू है यहाँ पे प्लस थ्री है यहाँ पे प्लस फोर है यहाँ पे प्लस फाइव है पहली बात जो है वो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी आनी चाहिए कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में आता है ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाई द नाइट्रोजन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है ये जो पहले दो ऑक्साइड्स हैं ये जो पहले दो ऑक्साइड्स है दीज आर न्यूट्रल दिज आर न्यूट्रल दिज आर न्यूट्रल यूजली हमने क्या देखा था जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन नॉन मेटल है जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एसिडी की नेचर नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडी की नेचर नान मेटल ऑक्साइड्स आर एसड के नेचर कैसे होते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड एसड के नेचर फॉर एक्जाम्पल कॉर्बन डाईक्साइड कार्बन इज अ नॉन मेटल इट्स ऑक्साइड इज कार्बन डाईक्साइड ये एसिड होता है इन नेचर में कैसे अगर हम इसको वाटर के साथ ट्रीट करेंगे टू सी ओ थ्री एंड दिस कार्बोनिक एसडोसट एच प्लस अन एंड एच सी ओ थ्री माइनस अन स्पीशीज विच गच प्लस अय एक्वासोलोशन इन एक्वा सोलोशन स्पीशीज विच गिव एच प्लस आर इन एक्वाइन देर कॉल्ड एसिडलटल इसलिए नॉन मेटल ऑक्साइडस एसिडिक नेचर शो करते हैं बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ये जो पहले दो ऑक्साइड्स हैं एन टो एंड एन ओ दे आर न्यूट्रल इन नेचर दे आर न्यूट्रल न्यूट्रल मीनस दे केन रिएक्ट विद बेसिस एज वेल दे आर न्यूट्रल इन नेचर तो आपको पहली बात जो यहाँ पे याद रखनी है पहले जो दो ऑक्साइड होते हैं एन टू और एन ओ मीनस इन प्लस वन एंड प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट दे आर न्यूट्रल और ये जो ऑक्साइड्स हैं दीज आर एसिडिक की नेचर दीज ऑक्साइड्स आर एसिडिक दीज ऑक्साइड्स आर एसिडिक तो पहली बात हमने यहाँ पे क्लियर की नेचर ऑफ दीज ऑक्साइड्स पहले दो ऑक्साइड जो है वो न्यूट्रल हैं और लास्ट तीन ऑक्साइड जो है वो एसिडिक इन नेचर होते हैं एक और इम्पॉर्टेंट बात दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट नंबर सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इन सब ऑक्साइड्स में इन सब ऑक्साइड्स में जो हमारा एन टू ओ फाइव सॉलिड स्टेट ये एग्जिस्ट होता है इन सॉलिड स्टेट दिस एग्जस्ट्स इन सॉलिड स्टेट दिस ऑक्साइड एग्जिट्स इन सॉलिड स्टेट बाकी जो भी ये ऑक्साइड्स हैं एग्जिस्ट इन गैस फेज दे एग्जिस्ट इन स्टेट दिस एगज इन गैशियस स्टेट 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 बट एन टू ओ फाइव एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है आपको चार पाँच ऑक्साइड गिवन हुए वो एग्जामर देगा उनमें से वो पूछेगा द ओनली ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आर द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन दट एक्जिस्टस इन द सलिड स्टेट इज दैन दिस इज द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन विच एग्जिस्ट इन दॉलिड स्टेट यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात ये जो ऑक्साइड है एन NO, ओ और ये जो ऑक्साइड है एन NO, ओ n o 2 both of these oxides both of these oxides no or no 2 they exist in dimeric form they form dimers they form dimers this also forms dimer if it forms dimer means we have to multiply by it by 2 we get n 2 o 2 the dimer of this is n 2 o 2 and dimer of this is n 2 o 4 in dimeric form this no 2

ऑक्साइडस विच एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट आर दैन दॉलिड स्टेट ऑक्साइडसू ओ फाइव एंड एन टू ओ फोर एन टू ओ फोर इज ए डायमर ऑफ एन ओ टू ना रीज़न क्या है यह दो ऑक्साइडस क्यों डायमर बनाते हैं डायमर क्यों बनाते हैं यह भी अभी हम देखेंगे बाकी ऑक्साइडस डायमर क्यों नहीं बनाते हैं दीज आर सर्टन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिज ऑक्साइडस एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ऑक्साइडस की होती है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे पहले हम देखेंगे इन सारे ऑक्साइड्स की एक एक कन्वेंशनल मेथड ऑफ़ प्रिपरेशन मीनस वो हमारे सिलेबस में आल दो नहीं है लेकिन प्रिपरेशन से क्वेश्चन आते हैं इसलिए कन्वेंशनल मेथड ऑफ़ प्रिपरेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ़ प्रिपरेशन है इन ऑक्साइड्स का वो देखेंगे उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनकी स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर कैसे याद रखेंगे उसके लिए मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊँगा आपको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है डिटेल्ड कंसेप्ट के बदले हम ट्रिक्स से डिटरमाइन करेंगे स्ट्रक्चर नवसी पहले हम डिस्कस करेंगे एन टू ओ हमारा जो एन टू ओ है इट्सो इट कॉल्ड डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड इट्स कॉल्ड डाई नाइट्रोजन वी हैव टू नाइट्रोजन एंड वन ऑक्सीजन है मोनोक्साइड डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इट्स कॉल्ड डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ये हमारा डाई नाइट्रोजन मोनोक्साइड होता है और इसी को हम कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड डाई नाइट्रोजन मोनोक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड तो अगर एन टू ओ बात कि अंटो की बात करेंगे फर्स्ट इट इज न्यूट्रल इट इज कलर लेस गेस इट इस न्यूट्रल कलर गेस कलरलेस गेस तो आपको अब याद रखने की जरूरत नहीं है पहले दो ऑक्साइड्स न्यूट्रल होते हैं कलरलेस वो दोनों कलर कलरलेस होते हैं इट्स न्यूट्रल कलर लेस गेस तो इस ऑक्साइड की प्रिपरेशन की बात अगर कहेंगे इसी ऑक्साइड को हम लॉफिंग गेस भी कहते हैं लॉफिंगेस इट्स कॉल्ड अ लॉफिंग गेस बिकॉज अगर हम इन स्मॉल कंसनट्रेशन किसी भी आ, आ, किसी भी पर्सन को ये इंजेक्ट करेंगे उसमें हिस्ट्रियस लाहा लॉफिंग होती है वो आ, अपने आप ही हंसता है दैट्स वाई इट्स कॉल्ड लॉफिंग गेस अच्छा तो इसकी इस ऑक्साइड की मैथड ऑफ प्रपरेशन अगर हम देखेंगे एक बहुत कन्वेंशनल मैथड ऑफ प्रपरेशन है दैट इज अमोनियम नाइट्रेट को हीट करना एन एच फोर एन ओ थ्री हीटिंग ऑफ अमोनियम नाइट्रेट अगर आप अमोनियम नाइट्रेट को हीट करोगे यू विल गेट एन टू ओ तो यहाँ से इस रिएक्शन को फॉरवर्ड कैसे करेंगे ना सी यहाँ पे फोर हाइड्रोजन एटम्स है पहले जितने भी हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे हैं उनको हम एज वाटर बाहर निकालेंगे अगर चार हाइड्रोजन एटम्स हैं तो एज वाटर मालिक्यूल कितने वाटर मालिक्यूल यहाँ बाहर निकलेंगे आपको पता है एक वाटर मालिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम होते हैं अगर हम दो हाइड्रोजन वाटर मालिक्यूल लेंगे तो उसमें चार हाइड्रोजन एटम्स होते हैं यहाँ पे चार हाइड्रोजन है देर फोर विल गेट टू एच टू ओ मालिक्यूल सॉरी तो यहाँ पे हमने दो ऑक्सीजन एटम्स भी निकाले अब यहाँ पे हमारा रह गया दो नाइट्रोजन एटम्स दैट्स N2, एन टू और दो ऑक्सीजन हमने ऑलरेडी निकाले अब एक ऑक्सीजन रह गया एन टू ओ दिस इज हाउ वी प्रिपेयर एन टू ओ फ्राम अमोनियम नाइट्रेट अमोनियम नाइट्रेट वो हम हीट करते हैं वी गेट एन टू ओ एंड वाटर मॉलिक्यूल बहुत ईजी है याद रखना है क्या करना है जितने भी हाइड्रोजन एटम्स हैं उनको ऑक्सीजन के साथ बाहर निकालो एज वाटर मालिक्यूल तो चार हाइड्रोजन एटम्स हैं हमारे पास दो वाटर मालिक्यूल निकलेंगे तो यहाँ पे दो नाइट्रोजन रह गए और एक ऑक्सीजन ऐटम रह गया

देरपुर इट्स कलेक्शन इज डन कलेक्ट इट इट इज कलेक्टेड इन हॉट वाटर इसलिए हम इसको हॉट वाटर में कलेक्ट करते हैं इट्स कलेक्टेड इन हॉट वाटर इस एन टू ओ की बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूज़ होती है नंबर फर्स्ट यूज ऑफ एन टू ओ इज इसकी एक इम्पॉर्टेंट यूज होती है इट इज़ यूज एज माइल्ड एनास्थेटिक मीन सर्जरी में ये एज माइल्ड एनेस्थित यूज़ होता है इट इज़ यूज एज माइल्ड एनास्थेटिक माइल्ड एनास्थेटिक

पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका यह न्यूट्रल है कलरलेस है एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसको लॉफिंग गैस कहते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज माइल्ड एनेस्थेटिक यूज़ होता है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एज एरिटिंग एजेंट यूज़ होता है कन्वेंशनल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हैं इसको हम कलेक्ट कोल्ड वाटर में नहीं कर सकते हैं इट इज़ टू बी कलेक्टेड इन हॉट वाटर स्ट्रक्चर हम बाद में देखेंगे सभी ऑक्साइड्स की This was about N2O. N2O में आपको इतना सारा याद रखना है इंपॉर्टेंट <coughs> NO. है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बट बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है अब नाइट्रिक ऑक्साइड क्यों इंपॉर्टेंट है वी विल डिस्कस इट नाइट्रिक ऑक्साइड पहले ये क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन लेट एक्स बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन की माइनस टू इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू प्लस टू तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन प्लस टू है ऑक्सीडेशन स्टेट में है इसलिए लेस एसिडिक होगा इसलिए न्यूट्रल है दैट्स वाई इट इज़ न्यूट्रल जैसे कि मैंने आपको कहा था पहले वाले लेक्चर में या आई मीन आई थिंक दूसरे वाले लेक्चर में एन टू ओ फाइव एन टू ओ थ्री एन ओ टू एन ओ एन टू ओ मैंने कहा था दिस इज द एसिडिक ऑर्डर ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जहाँ होगी वहाँ एसिडिक नेचर ज़्यादा होता है मीनज दिस इज द एसिडिक ऑर्डर अगर ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है देन दिस इज द लीस्ट एसिडिक दिस बींग द रीज़न वाई दिस टू आर कंसिडर्ड एज न्यूट्रल दे आर दे आर न्यूट्रल इन नेचर एंड दिज आर एसिडिक इन नेचर तो अगर क्वेश्चन पूछे जा पूछा जाएगा सबसे एसिडिक कौन है देन दिस इज द मोस्ट एसिडिक एंड दिस इज द लीस्ट एसिडिक मीनस इट इज़ न्यूट्रल इन नेचर तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है इट इज़ न्यूट्रल इन नेचर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज प्लस टू यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है दैट इज प्लस टू तो प्रिपेयर कैसे करते हैं इसको वो भी मैंने आपको पढ़ाया है वैसे प्रिपेयर कैसे करते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस में अगर हम अमोनिया का ऑक्सीडेशन करते थे देन नाइट्रिक ऑक्साइड वाज फॉर्मड मीनज अमोनिया का अगर ऑक्सीडेशन करेंगे वी विल गेट सॉरी वी गेट नाइट्रिक एसिड एन ओ विल गेट एन ओ प्लस वी विल गेट वाटर ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इन ओस्ट वर्ल्ड प्रोसेस दिस इज द ओस्ट वर्ल्ड प्रोसेस ओस्ट प्रोसेस में पहला सेटअप यही होता था अमोनिया का हम ऑक्सीडेशन करते थे दिस इज एरियल ऑक्सीडेशन एरियल ऑक्सीडेशन यहाँ पे कौन सा कैटलाइज यूज होता था दैटल वाज प्लेटिनियम और हम टेम्परेचर एट हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ यूज करते थे ना अमोनिया को हमने ऑक्सीडेशन की वही गेट एन ओ एंड वे गेट वाटर इस रिएक्शन को अगर बैलेंस करेंगे तो बैलेंस आप खुद भी कर सकते हो दिस इज फोर टाइम फोर टाइम मीन्स फोर थ्रीज आर ट्वेल्व मीन्स टाइड्रोजनज दि इज बिकम सिक्स टाइम फोर नाइट्रोजनज दज बिकम फोर टाइम

एक और इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशन है जो वो भी मैंने आपको समझाया है अगर आप किसी भी मेटल नाइट्रेट को कॉपर नाइट्रेट को जिंक नाइट्रेट को किसी भी मेटल नाइट्रेट को सोडियम नाइट्रेट को अगर आप ट्रीट करोगे विद डाइल्यूट एच टू एस ओ फोर यू विल गेट एन ओ अगर कंसनट्रेटेड यू विल गेट एन ओ टू तो जब हम एन ओ टू को प्रिपेयर करेंगे वो मेथड भी यहाँ ही आएगा जब एन NO ओ को प्रिपेयर करेंगे वो भी यहाँ जहाँ मैंने कहा था इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपटिटिव एग्जाम्स ट्रीटमेंट ऑफ नाइट्रेट विद डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड एसिड। तो अगर हम यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल किसको? अगर हम यहाँ पे पर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल एन एन इसको हम ट्रीट करेंगे विद डाइल्यूट एच एन एच टू एस ओ फोर एच टू एस ओ के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है वी गेट एन एच एस ओ फोर एन एच एस ओ फोर एन एच एस ओ फोर प्लस वी गेट एन ओ प्लस वी गेट वाटर यहाँ पर हमें वाटर भी मिलेगा ना दिस इज हाउ वी कैन प्रिपेयर एन ओ यहाँ पर भी हम प्रिपेयर एन ओ कर सकते हैं ना यू कैन बैलेंसड दिस रिएक्शन यू कैन बैलेंसड दिस रिएक्शन दिस इज सोडियम बाईसलफेट

डायल्यूट नाइट्रिक एसिड से अगर ट्रीट करेंगे देन आल्सो व्हाट इज फार्म एन ओ इज नाउ लेट अस सी वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर हम आयरन अगर हम आयरन टू प्लस कम्पलेक्स को लेते हैं आयरन टू प्लस कम्पलेक्स फॉर एग्जाम्पल एफ ई एच टू ओ होल होल्स टू प्लस एफ टू ओ होल सिक्स टू प्लस इस कम्प्लेक्स को अगर हम एन ओ के साथ ट्रीट करेंगे दिस इज़ वेरी रिएक्शन ऑफ़ इम्पॉर्टेंट एन ओ दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दिस हैज़ बीन ऑस्कड इन गेट एग्जाम एंड दिस हैज़ आल्सो बीन आस्कड इन सी एस आई आर नेट एग्जाम आई थिंक दिस माइट हैव बीन इन है तो यहाँ पे कौन सा कंपाउंड बनता है द कंपाउंड विच इज फॉर्मड इज यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल को रिप्लेस करता है एनओ मीनस सबस्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वी गेट एफ ईच टू ओ होल फाइव एन ओ एक मॉलिक्यूल को रिप्लेस करता है एन ओ एंड वी गेट वन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इज रिप्लेसड माइनस टाइम इज वाटर वन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इज रिप्लेसड बाई एन ओ वन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इज रिप्लेसेड बाई एन ओ एंड वी गय टू प्लस हेयर तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन यहाँ पे सेकंड है बिकॉज इज ए न्यूट्रल दिज ए न्यूट्रल ligand, इज is पॉजिटिवली चार्ज लिगेंट तो ऑक्सीडेशन स्टेट वन है तो so, आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है जो ब्राउन रिंग टेस्ट बनता है जो मैंने पहले ही डिस्कस किया था ब्राउन रिंग टेस्ट ब्राउन रिंग टेस्ट किस कम्प्लेक्स की वजह से होता है कौन सा कंप्लेक्स फॉर्मेशन होता है दिस इज द कम्प्लेक्स फॉर्मेट इन ब्राउन रिंग टेस्ट दिस इज द कम्प्लेक्स दिस कम्प्लेक्स इज रिस्पांसिबल एक्चुअली फर्स्ट मैंने क्या कहा था जो ब्राउन रिंग टेस्ट होता है यहाँ पे हम टेस्ट ट्यूब लेते हैं इसमें हम नाइट्रिक एसिड लेते हैं एच एन ओ थ्री और इसमें हम यहाँ से एफ ई एस ओ फोर डालते हैं यहाँ से कंसनट्रेटेड एच टू एस ओ फोर तो यहाँ पर एक रिंग बनती थी उस रिंग से सेपरेट होते थे दो मिक्सचर्स एफ ई एस ओ फोर एंड एच एन ओ थ्री तो कंप्लेक्स कौन सा बनता है इंटरमीडिएट इस फॉर्मेशन में दिस इज द कम्प्लेक्स फॉर्मेट दिस कम्प्लेक्स इज़ रेस्पांसिबल फॉर ब्राउन रिंग टेस्ट दिस कम्पलेक्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्राउन रिंग टेस्ट तो क्वेश्चन यहाँ से आता है ब्राउन रिंग टेस्ट जब भी शो uh, करते हैं ब्राउन टेस्ट जब भी नाइट्रिक एसिड फॉर द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन ब्राउन इज द शिवर टेस्ट एंड व्हाट इज द कंपलेक्स फॉर्मेट ज्यूरिंग ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर्मेशन दिस इज द कम्पलेक्स फार्मेट पेंटा एको नाइट्रोसोफ आयरन सेकेंड आयरन फर्स्ट दिस कम्पलेक्स इज फॉर्मेट

डिस्कस इन द स्ट्रक्चर ऑफ एनओ जब हम अभी इसकी स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे उसको हम एमओ थ्योरी लगाएंगे और इसमें से क्वेश्चन आते हैं कम्पिटेटिव एग्जाम में नंबर थर्ड इज एन ओ टू एन ओ टू इट्स कॉल्ड नाइट्रोजन डाइ इट इज कॉल्ड नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड मैंने क्या कहा था जो एन ओ टू है इट एग्जिस्ट एजर इट कैन एग्जिस्ट एज एन टू ओ फोर इसका डायमर अगर बनाएंगे मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई टू वी गेट एन टू ओ फोर मीन्स वी हैव टू डि एन ओ टू आर एन टू ओ फोर दे आर सेम दिसमर ऑफ दिस इज डायमर ऑफ एन टू ओ फोर ये यहाँ पे इसका डायमर होता है ना एन टू ओ फोर जो होता है इट इज़ इट इज एसिडिक इन नेचर मीन्ज एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन स्टार्ट फ्राम एन ओ टू दिस इज एसिडिक इन नेचर इन मोनोमेरिक वन इट इज मोनोमेरिक इट इज इट एग्जिट एज गेस बट इन डायमेरिक फॉरम इट एग्जिस्ट एज सॉलिड इन डायमेरिक फॉरम क्या होता है एक्चुअली डायमेरिक फॉर्म में ये आपस में साथ साथ बनते हैं मीनस साथ, साथ बनते हैं तो क्या होता है मोलिकुलर मास इंक्रीज होती है जब भी एटम साथ, साथ आते हैं तो उसकी स्ट्रक्चर मतलब एग्जिस्ट इन द क्रिस्टलाइन स्टेट एज ए रिजल्ट जब भी डायमर बनता है डायमरिक फॉर्म में यूजुअली जो आपका कंपाउंड बनता है दैट एगजस्टस इन सॉडिड स्टेट बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इंक्रीजेस दैट्स व्हाई वाई सब्सटेंस एग्जिट एज अ सॉलिड स्टेट इन डायमरिक फॉर्म बस ये रीज़न आप याद रखो डायमेरिक फार्म में जब भी डायमेरिक फार्म बनता है तो एटम साथ साथ आते हैं एटम साथ साथ आने की वजह से क्या होता है जो मालिकुलर इंट्रैक्शनज होते हैं वो इंक्रीज होते हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन मालिकुलर इंट्रैक्शनज क्या होता है सबस्टेंस सॉलिड स्टेट में पाया जाता है form, 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 तो यहाँ पे ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है इन डायमेरिक फॉर्म इन मोनोमेरिक फॉर्म इट एग्जिस्ट इन गैस स्टेट इन मोनोमेरिक फॉर्म इट एग्जिस्ट इन गेस स्टेट तो यहाँ पे अगर नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे एन में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट एन में दैट एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू प्लस फोर तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज प्लस फोर दिस इज प्लस फोर दिस इज़ प्लस थ्री दिस इज़ प्लस थ्री तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की प्लस फोर होती है तो so, प्रिपेयर कैसे करते हैं मैंने यह मेथड भी आपको बताया है जब आप किसी भी मेटल नाइट्रेट को जब आप किसी भी मेटल को आप कोई भी मेटल ले लो मेटल को ट्रीट करो विथ कंसनट्रेट एच एन ओ थ्री विथ कंसनट्रेट एच एन ओ थ्री मैंने क्या कहा था कंसनट्रेट मीन ज़्यादा कंसनट्रेशन ज़्यादा कंसनट्रेशन यहाँ पे एन ओ टू बनेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा फॉर एग्जाम्पल यू टेक लेड यू ट्रीट इट विद कंसनट्रेटेड एच एन ओ थ्री यू गेट लेड नाइट्रेट पी बी एन ओ थ्री होल्ड ट्वाइस पी बी एन ओ थ्री दिस इज टू इन टू प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस यू गेट एन ओ टू यहाँ पर आपको एन ओ टू बनेगा एंड वाटर सिमिलरली कॉपर के केस में मैंने डिस्कस किया था अगर कॉपर को कंसनट्रेटेड एच एंड ओ थ्री के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट बनता है और यहाँ पे एन ओ टू बनता है और वाटर मैंने क्या कहा था अगर आप कंसनट्रेट लेते हो कंसनट्रेट मीन ज़्यादा कंसनट्रेशन ऑक्सीजन की ज़्यादा कंसनट्रेशन अगर डाइल्यूट लोगे तो एन NO ओ बनेगा यहाँ पे ना बट देर इज वन एक्सेप्शन एक दो एक्सेप्शन हैं यूजली एग्जाम में एक्सेप्शन पूछे जाते हैं किसी भी मेटल को कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करो यू विल गेट एन ओ टू किसी भी मेटल को एक्सेप्ट अगर आप सोडियम को लेंगे या लिथियम को लेंगे सोडियम प्लस कंसनट्रेट एच एन ओ थ्री लिथियम प्लस कंसनट्रेट एच एन ओ थ्री तो इन दिस केस क्या होता है लिथियम एंड सोडियम दे आर वेरी हाईली रिएक्टिव अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ देखोगे दे आर एट द टॉप ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दे आर वेरी दे आर वेरी हाईली रिएक्टिव इनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है तो इन दिस केस सोडियम एंड लिथियम दे फॉर्म दे आर ऑक्साइडस यहाँ पर ऑक्साइड बनता है एन और लिथियम बनाता है ऑक्साइड यहाँ पे इनके ऑक्साइड्स बनते हैं नाइट्रेट्स नहीं बनते हैं दैट्स वाई एन ओ टू इज नो नॉट फार्मड एन ओ टू इज नॉट फार्म तो यहाँ पे आप अगर जनरल याद रखोगे अगर आप किसी भी मेटल को ट्रीट करोगे विद कंसन नाइट्रिक एसिड ऑलवेज एन ओ टू इज़ फार्म दौनली एक्सेप्शन बींग लिथियम एंड सोडियम तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन यह पूछा जाएगा गिवन बिलो आर सर्टन मेटल द ओनली वन दैट विल नॉट फार्म एन ओ टू विध कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एग्जाम्पल इजन सोडियम एंड लिखियम तो यहाँ पे हमने प्रेपरेशन ऑफ एन ओ टू भी की ना एन टू ओ थ्री का डिस्कस करते हैं थोड़ा सा एन टू ओ थ्री एनओ थ्री एन ओ टू का कलर जो होता है दैट इज ब्राउन अब एन टू ओ थ्री को डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट पहले देखते हैं एन टू दैट इज टू एक्स ऑक्सीडेशन स्टेट टू एक्स क्यों लेते हैं बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी हम डिटरमाइन करते हैं वो पर एटम डिटरमाइन करते हैं नॉट पर मालिक्यूल पर एटम दैट इज टू एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो टू एक्स इज इक्वल टू सिक्स एक्स इज इक्वल टू सिक्स बाई टू एक्स इज इक्वल टू थ्री दैट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज प्लस थ्री तो यहाँ से मैंने कहा था यहाँ से ये यह सब ऑक्साइड जो है ये एसिडिक इन नेचर है दिस इज एसिडिक ऑक्साइड दिस इज एसिडिक ऑक्साइड डिक ऑक्साइड इट्सो ब्लू इन कलर इट्स कलर इज़ ब्लू इट्स ब्लू इन कलर इट ब्लू इन कलर एन N2O3 अगर आपको कमर्शियली प्रिपेयर करना है तो बहुत इजी है ओस्ट प्रोसेस में हमने देखा था या उस प्रोसेस को छोड़ो ओस्ट प्रोसेस में आप बनाते हो फर्स्ट NO उस NO को अगर आप NO ओ उसको अगर हम एन O2 के साथ ट्रीट करेंगे हीट करते हैं टू फिफ्टी पे तो क्या बनेगा वन एंड वन एंड दैट टू एंड टू वी हैव टू ऑक्सीजन और हियर वन हियर दैट ओ थ्री दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एन टू ओ थ्री बहुत ही ईजी मेथड है एन ओ ओर एन 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 ओ और एन ओ टू को आपस में मिला के इनको थोड़ा सा हीट करेंगे वी विल गेट एन टू ओ थ्री ना इम्पोर्टेंट पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो एन टू ओ थ्री होता है इट इज़ अनहाइड्राइड ऑफ अनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड अनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड जब भी आप अनहाइड्राइड की बात करते हो मीनज जिससे आप अनहाइड्राइड बनाते हो उसमें लॉस ऑफ वाटर मालिक्यूल करना होता है अगर आपको देखना है फॉर एग्ज़ाम्पल आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया चार पांच एग्जाम्पल्स देगा आप बोलेगा द नंबर ऑफ गिवन बिलो स्पीशीज विच आर अनहाइड्राइडस आर उनमें से कौन से अनहाइड्राइडस हैं तो आपको क्या करना है आपको कुछ नहीं करना है वाटर मालिक्यूल निकालना है अगर वाटर मालिक्यूल निकाल के वो मालिक्यूल बन गया देन इट्स अनहाइड्राइड मैंने क्या कहा यहाँ पे एन टू ओ थ्री इज अनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड तो नाइट्रस एसिड का फार्मूला क्या है एच एन ओ टू एच एन ओ टू एच एन ओ टू का अनहाइड्राइड है ये अनहाइड्राइड मीनस आपको वाटर मालिक्यूल निकालना है वाटर मालिक्यूल निकालना मीन्स यू हैालिक्यूल ऑफ एच एन ओ टू जब भी अनहाइड्राइड देखना है तो पेरेंट एसिड के दो मालिक्यूल्स लेने होते हैं टेक टू मालिक्यूल्स ऑफ एच एन ओ टू दो मालिक्यूल्स देंगे एच एन ओ टू के अब क्या करेंगे इसमें से वाटर लॉस करेंगे वाटर लॉस करेंगे मीन्स अगर इसे बहुत ईजी करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने दो मालिक्यूल्स दिए दो मालिक्यूल्स मीन्स टू एच एच टू टू एन एन टू 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 जार फोर ओ फोर इसमें से हमने माइनस वाटर मालिक्यूल किया वाटर मालिक्यूल मीनस ये हाइड्रोजन दो निकाले और ऑक्सीजन एक निकाला एक दो हाइड्रोजन मालिक्यूल निकाले और ऑक्सीजन एक निकाला अगर दो हाइड्रोजन निकाले तो यहाँ पे N2 रह गया एक ऑक्सीजन निकाला यहाँ पे O3 रह गया मीन्स वी गेट एन टू ओ थ्री दैट्स वाई एन टू ओ थ्री इज फार्म बाई द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एच एन ओ टू नाइट्रस एसिड इसलिए इसको अनहाइड्राइड ऑफ एसिड कहते हैं तो जब भी आपको अनहाइड्राइड किसी एसिड का देखना होगा उस एसिड के दो मालिक्यूल ले लो उसमें से वाटर मालिक्यूल लॉस करो अगर आपका कंपाउंड जो बनेगा अगर वो पर्टिकुलर कंपाउंड जो आपको दिया हुआ होगा अगर वो निकला दैट देन दैट विल बी श्योरली अनहाइड्राइड तो यहाँ पे दिस इज अनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड दिस इज अनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड तो क्वेश्चन यहाँ से आता है विच ऑफ़ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज अनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड तो एन टू ओ थ्री आपको नाइट्रस एसिड की फार्मूला पता होनी चाहिए एच एन ओ टू नाइट्रस एसिड इट इज नाइट्रस इट इज नॉट नाइट्रिक नाइट्रस एसिड को आप क्या करोगे वाटर मॉलिक्यूल लॉस करोगे यू विल गेट एन टू ओ थ्री दैट इज़ अनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड। तो अनहाइड्राइड को ढूंढ डूंड, ढूंढना बहुत ईजी है क्या करना है किसी भी एसिड का जिसका अनहाइड्राइड देखना है उसके दो मॉलिक्यूल्स देने हैं उसे वाटर निकालना होता है फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास एन टू ओ फाइव है एन टू ओ फाइव एन टू ओ फाइव में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फाइव है एन टू ओ फाइव हमारा एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है एन टू ओ फाइव एसिडिक इन नेचर है स्ट्रॉन्ग एसिड है इन सब में से एसिडिक इन नेचर इट्स एसिडिक ऑक्साइड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिडिक ऑक्साइड है आउट ऑफ ऑल द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन तो एन टू ओ फाइव का अगर प्रिपेयर करना है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मेथड का प्रिपरेशन होता है दैट इज़ पी फोर ओ टेन ऑक्साइड ऑफ फास्ट इसको हम ट्रीट करते हैं विद एच एन ओ थ्री

सिंगल बॉन्ड ओ एच सिंगल बॉन्ड ओ ने दिस इज नाइट्रस एसिड इट इज नाइट्रिक एसिड इट इज ऑक्सो एसिड तो ये ऑक्सो एसिड है ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सी और ऑक्सो इसको ऑक्सी एसिड भी कहते हैं ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन इसको हम ट्रीट करते हैं विथ पी फोर क्या होता है यहाँ पे दिस इज ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन दिस इज ऑक्साइड ऑफ फासफोर्स तो यहाँ पे ऑक्साइड इसका बनता है इसका ऑक्सो एसिड बनता है बहुत इजी है क्या ये ऑक्सो एसिड है ये ऑक्साइड उक्षाथ है ऑक्साइड ऑफ फॉसफोर्स फॉसफोर्स फॉसफोरस का सबसे बड़ा ऑक्साइड पी फोर ये ऑक्साइड है फॉसफोर्स का ये ऑक्सो एसिड है इसका जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे इसका यहाँ पे ऑक्सो, और ये ऑक्सो एसिड है इसका ऑक्साइड बनेगा और ये ऑक्साइड है इसका ऑक्सो एसिड बनेगा आप इसको ऐसे याद रख सकते हो ये ऑक्सो एसिड है इसका ऑक्साइड बनेगा इसका ऑक्साइड एन टू ओ फाइव इसका ऑक्जो एसिड एच थ्री पी ओ फोर एच थ्री पी ओ फोर एच थ्री पी ओ फोर क्या किया हमने यहाँ पे कुछ नहीं यहाँ पे ऑक्जो यह एसिड था इसका ऑक्साइड बनाया यहाँ पे ये यह ऑक्साइड था इसका ऑक्जो एसिड बनाया दिस इज ऑक्जो एसिड दिस इज ऑक्साइड ना सी यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस माइनस वन इज इक्वल दिस इज प्लस फाइव यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फाइव यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस एन टू ओ फाइव तो एन टू ओ फाइव को कैसे प्रिपेयर करते हैं दिस इज प्रिपरेशन ऑफ एन टू ओ फाइव नासी मैंने आपको अभी कहा था अनहाइड्राइड के बारे में मैंने कहा था जो एन टू ओ थ्री है इट इज ऑफ नाइट्रस एसिड बट जो एन टू ओ फाइव है इट इज्राइड ऑफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है anhydride. Anhydride अब आपको देखना है वेदर इट इज़ एन अनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिकड आर नॉट आप क्या करोगे मालिक्यूल ऑफ नाइट्रिक एसिड इसमें से आप वाटर मॉलिक्यूल लॉस करोगे आप देखोगे प्रोडक्ट अगर हमें मिला एन टू ऑफ फाइव दैन इट्स एनहाइड्राइड तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा दो मॉलिक्यूल्स लिए दो मॉलिक्यूल्स मीनस हाइड्रोजन दो हैं नाइट्रोजन दो हैं ऑक्सीजन टू थ्री जर सिक्स है तो इसमें से वाटर निकाला ये दो हाइड्रोजन निकाले हमारे पास एन टू रह गया एक ऑक्सीजन निकला यहाँ पे O5 रह गया दिस इज फॉर्मेट एन टू फॉर्मेट बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एच एन ओ थ्री तो यहाँ पे इसमें लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होने की वजह से ये बनता है ये इसका है. This is of nitrous, nitric acid. I hope आपको बनाना समझ में आया होगा अनहाइड्राइड से क्वेश्चन एग्जाम में आता है फॉलोइंग स्पेसिज so, तीन चार से पेशी देगा आपको बताना है कितने इसमें से अनहाइड्राइड बना सकते हैं दिस वॉज अबाउट प्रिपरेशन ऑफ नाइट ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन अब डिस्कस करते हैं इनकी स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर के लिए मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा अदरवाइज आपको बहुत मुश्किल लगेगा इनको याद रखना एन टू ओ वी है तो क्या करेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने में बहुत इजी है बहुत इजी मेथड में आपको बताऊंगा हम क्या करेंगे हम इन सारे ऑक्साइड्स में सिर्फ दो एल टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है दो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है वन यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है वन यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है वन यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है वन ऑक्सीजन कितने हैं वन. है? वन. वन. है? वन एंड वन मीनस टू यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है वन वन ऑक्सीजन कितने हैं वन 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 तीन टाइप्स ऑफ तीन ऑक्सीजन ऐटम्स है यहाँ पे नाइट्रोजन वन वन यहाँ पे ऑक्सीजन वन 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 बस ये आपको याद ये याद रखना जरूरी नहीं है आपको पता है इसमें दो नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है ऐसे ड्रा करना है अब आपको क्या करना है जितने भी नाइट्रोजन ऐटम्स है पहले उनको ड्रा करना है नाइट्रोजन ऐटम्स को पहले ड्रा करना है फॉर एग्जाम्पल कहीं पर दो नाइट्रोजन है दिस इज नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन अगर ऑक्सीजन एटम्स हैं तो इसको भी पहले एन डबल बॉन्ड ओ दे दो इसको भी पहले एन डबल बॉन्ड ओ दे उसके बाद अगर और ऑक्सीजन एटम्स हैं इसको एक और एन डबल बॉन्ड ओ दे दो इसको एक और एन डबल बॉन्ड ओ दे दो और इन नाइट्रोजन एटम्स को आपस में मिलाओ इन नाइट्रोजन एटम्स को आपस में मिलाओ बस ये फंडा है तो यहाँ पे क्या करेंगे पहले दो नाइट्रोजन एटम्स हैं एन और एन लिखेंगे अब एक ही ऑक्सीजन एटम है किसी भी दो में से किसी भी एक नाइट्रोजन एटम पे आप ऑक्सीजन देखो दिस इज डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो अब यहाँ पे क्या है इन दो नाइट्रोजन एटम्स को आपस में मिलाना है दो नाइट्रोजन एटम्स एक नाइट्रोजन एटम को एक ऑक्सीजन एटम के साथ जोड़ा मीनज ये ख़त्म यहाँ पे एक नाइट्रोजन रह गया उसको इस नाइट्रोजन के साथ जोड़ दिया लेकिन हमें पता है नाइट्रोजन कितने बॉन्ड्स बनाता है नाइट्रोजन फॉर्मस थ्री बॉन्ड्स एंड इट कैन एक्सपेंड इट्स टेट्रा कोलेंसी टू फोर तो यहां पे क्या होगा यहाँ पे जरूरी एन एन डबल बॉन्ड होगा अगर यहां पे एन एन डबल बॉन्ड होगा तो इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगी यहां पे लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज तो दिस इज रिजन स्ट्रक्चर इसको आप एक और स्ट्रक्चर से, से लिख सकते हो इस बॉन्ड को यहां ला <laughs> इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट करो और इस बॉन्ड को यहां ला तो यहां पे एक और स्ट्रक्चर बनेगी एन सिंगल बॉन्ड और नेगेटिव ट्रिपल बॉन्ड एन मीनस ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज लीनियर स्ट्रक्चर तो एन ओ टू की स्ट्रक्चर क्या है N2O की स्ट्रक्चर क्या है इट इज लीनियर लीनियर मीनस इट इज एस पी है जियोमेट्री इज लीनियर बॉन्ड एंगल इज वन एटी तो दिस इज हाउ यू कैन फॉर्म स्ट्रक्चर अब यहाँ पे स्ट्रक्चर बनानी है एन ओ में एन NO ओ में क्या है एक नाइट्रोजन है तो पहले नाइट्रोजन को लिखो उसके बाद एक ही ऑक्सीजन है वो इसी नाइट्रोजन पे होगा दिस इज डबल बॉन्ड ओ दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एन ओ इट इज ऑल्सो लीनियर इट इज ऑल्सो लीनियर नाइट्रोजन को पहले लिखा ऑक्सीजन को बाद में लिखा खत्म अब इसको बनाते हैं यहाँ तक ईजी था अब इसको बनाते हैं इसको NO2 को, NO2 को बनाते हैं. यहाँ पे कितने नाइट्रोजन आइटम्स है वन ऑक्सीजन कितना है वन एंड वन पहले क्या बनाएंगे नाइट्रोजन अब ये नाइट्रोजन हमने खत्म किया इसके पास ऑक्सीजन है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ एक जरूरी लगाना है ये ऑक्सीजन खत्म किया अब एक और ऑक्सीजन है तो वैलेंसी थ्री होगी दिस ऑक्सीजन बी ओर नेगेटिव अब इसका रेजोनेंस फॉर्म भी होगा ये बॉन्ड यहाँ जाएगा ये यहाँ जाएगा दिस विल बी एन ओर नेगेटिव डबल बॉन्ड ओ दिस इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर ओवरऑल रिजनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाओगे दिस इज रिजन एस स्ट्रक्चर यहाँ से आप इसका हाइब्राइजेशन uh, भी निकाल सकते हो इसका बॉन्ड एंगल भी निकाल सकते हो तो ये कौन सा शेप है दिस इज एक्चुअली अ बेंट शेप इट्स अ बेंट शेप और तो बालिक्यूल अगर हाइबेडाइजेशन निकालोगे वन डिवाइड बाई टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन दैट इस फाइव मोनोवेलेंट ग्रुप कोई नहीं है ऑक्सीजन बाय वैलेंट है यहाँ पर एक माइनस चार्ज है इसको प्लस वन एड करो दैट इज सिक्स बाई टू सिक्स बाई टू इज थ्री दैट इज एस पी टू हाइब्राइज

पहले दो नाइट्रोजन आइटम्स को पहले इस नाइट्रोजन को लिखो दिस इज एन अब इस हर एक नाइट्रोजन के पास डबल बॉन्ड ओ होना जरूरी है दिस इज डबल बॉन्ड ओ यह भी खत्म किया एक नाइट्रोजन एक डबल बॉन्ड ओ अब दूसरा नाइट्रोजन लिखेंगे एन इसके पास डबल बॉन्ड ओ दिस इज डबल बॉन्ड ओ अब एक ऑक्सीजन रह गया वो एक ऑक्सीजन कहाँ लिखेंगे इन दोनों को ज्वाइन करेंगे दो में से किसी एक पर हम ऑक्सीजन एटम को लिखेंगे बिकॉज देयर इज इक्वल प्रोबेबिलिटी दैट ऑक्सीजन में भी अटैच टू दिस नाइट्रोजन आर दिस नाइट्रोजन सो बहुत ईजी है स्ट्रक्चर ड्रा करना हमने इस नाइट्रोजन या हम इस नाइट्रोजन आइटम पर इसकी मतलब इस ऑक्सीजन को ड्रा कर सकते हैं एन टू ओ फाइव को ड्रा करेंगे एन टू ओ फाइव यहाँ पे नाइट्रोजन वन एंड वन ऑक्सीजन वन 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 तो पहले नाइट्रोजन को लिखो दिस नाइट्रोजन खत्म अब ऑक्सीजन को लिखो डबल बॉन्ड ओ अब इस नाइट्रोजन को लिखो दिस इज नाइट्रोजन ऑक्सीजन खत्म हो गया यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ एक ऑक्सीजन खत्म उसके बाद एक और ऑक्सीजन रह गया एन टू ओ फाइव टू थ्री फोर फाइव एक और ऑक्सीजन तीन ऑक्सीजन रह गए एक इसको दे दो डबल बॉन्ड ओ एक इसको दे दो डबल बॉन्ड ओ अब एक और ऑक्सीजन रह गया दैट्स इन बिटवीन एन एंड एन सो यहाँ पे इम्पोर्टेंस आती है द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन विच कंटेन एन ओ एन बॉन्ड एन ओ एन बॉन्ड तो एन टू ओ फाइव में एन ओ एन बॉन्ड होता है पूरा एग्जाम्स में पूछा जाता है एन ओ एन बॉन्ड किस ऑक्साइड में है दिस इज द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन वायर वी हैव एन ओ एन बॉन्ड तो आई होप आपने इस ट्रिक की वजह से ऑक्साइड की स्ट्रक्चर बनानी सीखी होगी ना इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ सम स्ट्रक्चर ऑफ सम ऑक्साइड कुछ ऑक्साइड्स की जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एन ओ है तो so, एन NO ओ मैंने कहा इट्स इस लीनियर इन शेप इट इज लीनियर इन शेप दिस इज लीनियर इन शेप इट इस लीनियर इन शेप अगर आप एन NO ओ के टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखो ऑक्सीजन में आठ नाइट्रोजन में सात इट इज फिफ्टीन फिफ्टीन इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको एमओ थ्योरी अप्लाई करो एमओ थ्योरी अगर आप इसको एमओ थ्योरी अपलाई करोगे दैन इट विल भी सिगमा वन एस सिगमा स्टार वन एस टू एस टू एस एक बार फिर बॉन्डिंग के लेक्चर को देखना एम ओ थ्योरी में मैंने सिखाया है ये वहाँ आप फिर से देखना उसके बाद हमारे पास आता है सिग्मा टू पी जेड उसके बाद पाई टू पी एक्स उसके बाद इक्वल टू पाई टू पी वाई इन दो की एनर्जी सेम होती है उसके बाद पाई स्टार टू पी एक्स उसके बाद पाई स्टार टू पी वाई एनर्जी सेम इसलिए इक्वल लिखा दिखाया उसके बाद सिग्मा स्टार टू पी जेड अब ये फिफ्टीन इलेक्ट्रॉन्स इनमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं टू ट फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन एंड फिफ्टीन अब यहाँ से क्वेश्चन आता है जो नाइट्रोजन में है यहाँ पे अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सॉरी एन ओ में अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इट हैड इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन इट डायमे अगर ये डायमेराइज होता है तो वजह क्या है डाइमेराइज होने की प्रेजेंस ऑफ दिस अनप्यड इलेक्ट्रॉन अब क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग

तो एक और क्वेश्चन आता है ये फ्री रेडिकल ये जो आर्ड इलेक्ट्रॉन है ये कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है जो आर्ड इलेक्ट्रॉन है आड इलेक्ट्रॉन एन ओ में वो कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है इट इज प्रेजेंट इन पाई सिटार टू पी एक्स पाई सिटार स्टार टू पी वाई बिकॉज एनर्जी ऑफ दीज टू ऑर्बिटल इट इज सेम ये इलेक्ट्रॉन चाहिए आप इस ऑर्बिटल में रखो या इस ऑर्बिटल में रखो एक ही बात है ना जिस भी जो जिस भी ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसको होमो कहते हैं होमो होमो मीनस हाइस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हाइस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मीनस इनमें से सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा एनर्जी किस ऑर्बिटल की है इसकी पहले इसमें इलेक्ट्रॉन देते हैं इसकी एनर्जी कम है देन एनर्जी इंक्रीजेस

इट्स कॉल्ड लवेस्ट लवेस्ट मीन्स सबसे ज्यादा ऑर्बिटल जो है मतलब लास्ट वाला ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है उसको कहते हैं लोवेस्ट ऑक्युपाइड मालिक्युलर ऑर्बिटल इसको कहीं पे हम ये भी कहते हैं केमिस्ट्री में सोमो सोमो मीनस सिंगली ऑक्युपाइड सिंगली ऑक्युपाइड मालिक्युलर ऑर्बिटल Now, इस ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन है या इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो इसके नेक्स्ट वाला जो ऑर्बिटल है थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे और जिस ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसको कहते हैं होमो दिस इज कॉल्ड होमो दिस इज कॉल्ड होमो और जो उसके बाद ऑर्बिटल वैकेंट होता है उसको कहते हैं ल्यूमो उसको कहते हैं ल्यूमो एल यू एम ओ ल्यूमो क्या होता है लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो ये जो ऑर्बिटल है ये अनऑक्यूपाइड है यहाँ पे ल्यूमो यहाँ पे होगा सिग्मा सिटार टू पी जेड इसको मैं आपको एक और एग्जाम्पल से समझाऊंगा इसको मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जाम्पल से समझाऊंगा फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इथेन मालिक्यूल है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं दो इलेक्ट्रॉन्स तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने ऑर्बिटल्स में होंगे जितने नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स होंगे उतने ऑर्बिटल्स होंगे ये एक ऑर्बिटल ये दो ऑर्बिटल मतलब जितने नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स होंगे उतने वेव फंक्शनस होंगे यहाँ पे एक वेव फंक्शन होगा साई वन यहाँ पे दूसरा वेव फंक्शन होगा साई टू मीनस दिस इज वन वेब फंक्शन मीन्स एनर्जी लेवल दैट इज साई वन इसकी एनर्जी ई वन होगी एंड दिस इज सेकेंड एनर्जी लेवल दिस इज साई फंक्शन इसकी एनर्जी ई टू होगी अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं है, पाई टू इलेक्ट्रॉन्स दो इलेक्ट्रॉन्स किस एनर्जी लेवल में है इस एनर्जी लेवल में इसको हम इस एनर्जी लेवल को हम क्या हैं कहेंगे होमो हाइस्ट ऑक्यूपाइड मालिकुलर ऑर्बिट जो अनऑक्यूपाइड है इसको कहते हैं लोमो इट्स कॉल्ड लोमो लोस्ट अनऑक्यूपाइड मालिकुलर ऑर्बिटल अगर हम काम करेंगे अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एक्साइट करेंगे अगर हमने ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रह गया यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो इस सूरत में क्या होगा ये जो हमारा E1 एनर्जी लेवल था दिस इज E2 एनर्जी लेवल अब इस एनर्जी लेवल में हमारा इलेक्ट्रॉन है अब ये हमारा क्या हो गया होमो हाइस्ट ऑक्यूपाइड मालिकुलर ऑर्बिट इसके ऊपर जो एनर्जी ई थ्री होगी कॉल्ड दैट विल बी ल्यूमो लोएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिट आई होप आपको ये समझ में आया होगा हाइस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिट एंड लोएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिट क्या होता है <coughs> तो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में होमो एंड लूमो ऑफ एनोइ एनो डाइमेराइज बिकॉज ऑफ एनो कैसे डाइमेराइज होता है इन सब ऑक्साइड की जो जो भी स्ट्रक्चर है लीनियर है प्लानर है <coughs> इनकी स्ट्रक्चर डिटरमाइन हुई फ्रॉम एक्सरे डिफ्रेक्शन टेक्निक से एक्सरे डिफ्रेक्शन टेक्निक वाज यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ दीज ऑक्साइड्स अगर कहीं पे अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो उस उस आ, उस कंपाउंड में जहाँ पे अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो वहाँ हम ई एस आर सी स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉन अलेक्ट्रॉपिन रिजनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें पता है जहाँ पे अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन होता है अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन का सपिन होता है दैट हाफ इलेक्ट्रॉन सपिन रिजनल स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन सपिन रिजनल स्पेक्ट्रोस्कोपी ई एस आर से हम इनकी स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं जहाँ कहीं भी अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और इसको कहते हैं ई पी आर भी अलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजिडेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी तो याद रखना है यहाँ पे इफ़ वी हैवे स्पेशी कंटेनिंग अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन अगर अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर जब हम डिटरमाइन करते हैं वो यूज ई एस आर और इसको कहते हैं ई पी आर एलेक्ट्रॉन सपिन रेजिडेंस स्पेक्ट्रास्कोपी अदरवाइज हम स्ट्रक्चर यूजली डिटरमाइन करते हैं फ्रॉम एक्सरे स्टडी सो so, यहाँ पे हमने ऑक्साइड्स का डिस्कशन खत्म किया लेट मी चेक द लेंथ ऑफ द वीडियो सो ऑक्साइड्स का स्ट्रक्चर खत्म हुआ जो मैं अब नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा उसमें मैं फास्फोरस को डिस्कस करूँगा होपली आज ही बनाऊँगा आई विल ट्राई टू मेक इट टूडे थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक्स